गाइस आज एक बेहतरीन इवेंट होने वाला है, इनॉग्रेशन ऑफ बिग विंग कटक। आज बहुत खास लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। अभी नेक्स्ट जो सुपर बाइक का प्लान है कुछ भी है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ये मेरा टाटा पंच का जो है 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, माइलेज निकल कर आ रहा है 20.2। सो थर्ड सर्विस के बाद गाड़ी में थोड़ा पावर डिफरेंस मेरे को फील हो रहा है। बम्पर टू बम्पर माइलेज यही आ रहा है 12.2। ये अभी अभी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैं ये देखिए 15.4 का एवरेज मेरे को निकल के आया है, तो माइलेज वही 15 टू 16 मैक्स। इवन आफ्टर थर्ड सर्विस, इवन आफ्टर ऑयल चेंज, 80, 90, 95, 100 थ्री डिजिट से बिलो, डेफिनेटली आपको गाड़ी एक एवरेज 19-20 का एवरेज निकाल के डेफिनेटली देगा। तो आप लोग अगर कंसिडर करना चाहते हो टाटा पंच 2023 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। व्हाट्सअप, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज एक बेहतरीन इवेंट होने वाला है। आज है इनॉग्रेशन ऑफ बिग विंग कटक। वहां से एक इन्विटेशन आया है, तो बिकॉज इट्स समथिंग रिलेटेड टू माई पैशन एंड द वर्क व्हाट आई एम डूइंग, सो मैं वहां पे अटेंड करने जा रहा हूं। मैं अभी घर से निकल के 1 घंटा हो चुका है, अभी हाइवे पे हूं। कटक पहुंचने के लिए थोड़ा ही देर टाइम लगेगा। बिग विंग बेसिकली एक प्रीमियम मोटरसाइकिल शोरूम है होंडा की तरफ से, तो वहाँ पे मैं चल के आप लोग को दिखाऊंगा उनके पास क्या कुछ बाइक्स है। और वहाँ पे जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो होंगे होंडा इंडिया के चीफ, सो उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनसे डिस्कशन करने का मौका मिलेगा अबाउट द ट्रू बाइकर प्रॉब्लम्स। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मीट लॉट ऑफ पीपल एंड टू नो अबाउट व्हाट्स होंडा स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग डेज, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो सुपर बाइक का प्लान है कुछ भी है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। सो वो सब के बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अभी काफी लोग ये बोलेंगे तो मोटरसाइकिल शोरूम में जा रहे हो, राइडर बन के जा रहे हो, तो कार से क्यों, बाइक से क्यों नहीं? सो गाइस बाइक से क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश का सीजन है, कभी भी बारिश गिर सकता है, और दिन भर रेनकोट और हेलमेट लेके मैं नहीं घूम सकता आज, क्योंकि सैटरडे को मैं कटक गया था एक बार, तो वहां पे भीग भीग के मेरा हालत खराब हो गया है। तो और एक चीज, और एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैंने आपको दिया नहीं है, मेरा टाटा पंच का जो है 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है 3 दिन पहले। सो ये गाड़ी का 1 ईयर यूजर एक्सपीरियंस, यूजर रिव्यू, 1 ईयर जेन्युइन यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, मैं वो रिव्यू वीडियो जल्दी बनाऊंगा। बट उससे पहले एक मेन चीज जिसके बारे में मैं हमेशा कंप्लेन करता रहता था, टाटा में कंप्लेन करते जा रहा था, गाड़ी में पावर नहीं है और गाड़ी में माइलेज नहीं है। वो चीजों में से, वो दो चीज में से एक चीज फिक्स हो गया है, दूसरा तो पावर वाला चीज तो वो फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि इंजन ही वैसा है। अभी माइलेज, माइलेज पहले मेरे को 14-15 मैक्स मिलता था, हाईवे पे भी 16 से ऊपर जाता नहीं था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रियल टाइम माइलेज कितना है। रियल टाइम माइलेज मैं गाड़ी को लास्ट 31 किलोमीटर से मीटर रीसेट किया हूँ, और गाड़ी को मैं कांस्टेंट 80, 90, 95, 96 में भगा रहा हूँ। गाड़ी का माइलेज निकल कर आ रहा है 20.2, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो 20.2 फॉर अ 3 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन इज गुड फॉर हाईवेज। ये लेकिन सिटी में कम हो जाता है, मैं कोई मोड वोड में नहीं चला रहा हूँ, मैं अभी इकोनॉमी में चलाऊंगा तो और भी ज्यादा माइलेज देगी, लेकिन इकोनॉमी में थोड़ा पावर ड्रॉप हो जाता है जो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैं हाईवे होते हुए आ रहा था, अभी सिटी का ट्रैफिक शुरू हो चुका है, मैं पहुंच चुका हूँ मंगुड़ी। यहाँ से और मेरे को मतलब किलोमीटर डिस्टेंस जो है 15-16 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से कटक पहुंचने के लिए और 20-25 मिनट लगने ही वाले हैं, क्योंकि सिटी का ट्रैफिक है, महानदी ब्रिज है, ट्रक व्रक होंगे रास्ते में, तो यहाँ पे और शूट वूट नहीं करते हैं, डायरेक्ट शोरूम के पास जाके मिलते हैं। और आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे इवेंट में क्या कुछ हो रहा है। मैं तो थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा लेट चल रहा हूँ, मिलते हैं, आप लोग को मैं दिखाता हूँ ट्रैफिक कितना बढ़ गया धीरे धीरे। सामने कुछ भी नहीं था, पूरा खाली खाली चल रहा था, खाली खाली रोड, कितने सारे गाड़ियां एक साथ जा रही हैं। ये ओडिशा में हमारे लिए इतने गाड़ी भी ट्रैफिक होते हैं, तो अगर आप बैंगलोर मुंबई वगैरह से कंपेयर करोगे तो आपको कुछ बोलने के लिए मेरे पास नहीं है। अभी लिंक रोड पहुंच रहा हूँ, भीड़ देख सकते हो, इतना भीड़ है यार, एक्सपेक्ट नहीं करते कभी भी। फ्लाईओवर बन चुका है, लोग जो कटक के अंदर जा रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है आजकल, सो ये पूरा चौक हो जा रहा है ये ट्रैफिक, तो इसको पार करते हैं। यहाँ पे तो पुलिस खड़ी रहेगी, फिर भी क्यों इतना भीड़ होता है, मेरे पीछे भी आने की जितना लाइन लगा हुआ है।
तो इस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से तो यही कहीं आसपास में होना चाहिए, बिग विंग ओएसएल टावर के बगल में। और मेरे पास पहुंचने वाला हूँ, थोड़ी इधर में पहुंच जाऊंगा। तो ये है अपना कटक सिटी ओएसएल टावर, और इसके बाजू में खुला है बिग विंग, देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग को लेना है राइट टर्न। भुवनेश्वर में आईटी का बूम अभी तक हुआ नहीं है, अभी ये ट्रैफिक का कंडीशन देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि भुवनेश्वर विल बी एबल टू केटर कर पाएगी अगर आईटी बूम होता है भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर न्यू आईटी हब होता है जब अपकमिंग 2-3 या 5 ईयर्स में, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटीज से बाहर निकल के जाने का और रेजिडेंशियल एरियाज में पहुंचने का, वो सब ये रोड्स कैटर बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्योंकि हाईवे तो है लेकिन सिटी वाले जो रोड्स है ना उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक। यहाँ पहले कोई भी गाड़ी नहीं हुआ करते थे, आज देखो क्या कंडीशन है। ये पूरी बाईपास का एरिया है हाईटेक स्क्वायर, जो कि भुवनेश्वर का आउटस्कर्ट्स माना जाता है। यार कितना ज़्यादा जाम रोड खराब है, भुवनेश्वर से बाहर निकल के आ चुका हूँ, पहाड़ों के आसपास पहुंचा हूँ। यहाँ पे आगे चल के शायद डिकैथलॉन में रुकेंगे, कुछ सामान खरीदना है तो, और पेट्रोल भी भरवा लेंगे गाड़ी में। गाड़ी का पेट्रोल ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, बस 2 इंडिकेटर्स लेफ्ट, जिसमें लगभग 150 किलोमीटर का रेंज देगा, क्योंकि हमारा घर का डिस्टेंस ही यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो 150 किलोमीटर रेंज लेके क्या ही करना है, फिर पेट्रोल के लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक का माइलेज, रियल टाइम माइलेज दिखा रहा हूँ। सुबह हम लोग देख रहे थे गाड़ी का एवरेज जो था वो 20+ एवरेज दिखा रहा था टाटा पंच अभी, लेकिन एवरेज यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 12.2 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। क्योंकि मैं ये माइलेज मेरे को पीक ट्रैफिक में मिला है, कटक गया था तो कटक में पूरा बम्पर टू बम्पर जाम था आज, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और गाड़ी भी पार्किंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो बम्पर टू बम्पर माइलेज यही आ रहा है 12.2। ये अभी अभी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मैं क्रूज कंट्रोल पर चलाऊंगा, ये ट्रक व्रक को क्रॉस कर जाने दो, मैं हाईवे पर हूँ अभी। सो माइलेज अभी बढ़ जाएगा, बढ़ के आराम से 14-15-16 तक चला ही जाएगा। सो हम लोग एक एवरेज अगर हिसाब करेंगे, एवरेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग एक एवरेज माइलेज, सो ARAI एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले चलिए ये भीड़ को पहले खत्म, मतलब भीड़ को क्रॉस करते हैं, भीड़ क्रॉस करके ही प्रॉपर माइलेज हम लोग को मिलेगा। कल का जो मेरा ड्राइव था, मैं कटक भुवनेश्वर ये सब ट्रैफिक वैफिक होके आया, तो गाड़ी का माइलेज हम लोग एक्चुअली टेस्ट कर रहे थे हाईवे पे। गाड़ी का माइलेज 20-21-22 तक गाड़ी दिखा रहा था, क्योंकि मैं इकोनॉमी मोड में भी कभी कभी चला रहा था और क्रूज कंट्रोल भी यूज कर रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन क्लचिंग वगैरह नहीं होता है, सो इसलिए माइलेज अच्छा खासा दिखा रहा था। लेकिन
सिटी ट्रैफिक प्लस हाईवे ट्रैफिक ये सब होने के बाद हम लोग को माइलेज रियल टाइम कितना मिला मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए 15.4 का एवरेज मेरे को निकल के आया है कल के ट्रिप का, तो ये 12.2 हो गया था फिर हाईवे में और जितना दूर लाइक 50 किलोमीटर के आसपास चलाया, फिर उसके बाद मेरे गांव वाले रास्ते पे होते हुए आया। सो 15.4 इसका रियल टाइम माइलेज निकल के आया है। एंड अभी एवरेज अगर हम लोग निकालने जाए कि जो मेरा एवरेज माइलेज कितना निकलता है, क्योंकि हम लोग हमेशा हाईवे पे नहीं चलते हैं, सिटी ट्रैफिक भी होता है, सिटी में भी चलना रहता है। सो एवरेज अगर निकालेंगे तो माइलेज वही 15-16 मैक्स टाटा पंच देती है इवन आफ्टर थर्ड सर्विस इवन आफ्टर ऑयल चेंज। 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर इंजन से हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन माइलेज इतना ही आएगा जो कि अभी इसके कंपैरिजन में आया है हुंडई एक्सटर, तो उसका फोर सिलेंडर इंजन है लेकिन उसका इंटीरियर का जो फील है वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को पंच का इंटीरियर अच्छा लगता है और इसका ड्राइविंग पोस्चर वगैरह ये सब सीट वीट सीट कंफर्ट ये सब अच्छा लगता है मुझे। एंड अगर आप हाईवे पे ही चलते हैं और ज्यादा लॉन्ग चलते हैं तो आप 80, 90, 95, 100 थ्री डिजिट से बिलो अगर आप मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको गाड़ी एक एवरेज 19-20 का एवरेज निकाल के डेफिनेटली देगा, जिसका प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी थोड़े दिनों में इसको लेके लॉन्ग ड्राइव पे निकलने वाला हूँ, मे बी नेक्स्ट मंथ और अक्टूबर में इसको लेके निकलने वाला हूँ, उसमें पता चलेगा एग्जैक्टली कितना माइलेज देती है लॉन्ग ड्राइव पे। अगर आप लोग टाटा पंच प्लान कर रहे हो 2023 में तो BS6 मार्क 2 का इंजन के साथ आ चुका है। मेरा गाड़ी में थोड़ा नॉइज होता है लेकिन उसमें वो नॉइज भी रिडक्शन हो गया है, टॉर्क भी बढ़ गया है, तो इसका जो पिकअप है वो थोड़ा बढ़ चुका है। सो आप लोग अगर कंसिडर करना चाहते हो टाटा पंच 2023 में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जल्द ही मैं इसका 1 ईयर यूजर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में भी वही टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा लोकेशन ठीक ठाक चाहिए था, अभी लोकेशन ठीक ठाक है, मेरा घर का कंस्ट्रक्शन भी खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में आएगा टाटा पंच का 1 ईयर यूजर एक्सपीरियंस वीडियो, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है और आपको 2023 में टाटा पंच ऑप्ट करना चाहिए या नहीं वो वीडियो में मैं डेफिनेटली बताऊंगा। सो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपने नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाया नहीं है बेल आइकन दबाए रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।